Assalamu alaikum, I'm Nimsha. This video is about Romantic Criticism, William Wordsworth, from the book History and Principles of Literary Criticism by Dr. Raghupal Tilak. ये वीडियो का पार्ट वन है और इसमें हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के वर्क को, द प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, इसका इंट्रोडक्शन, एम, रीजंस फॉर हिज प्रीफेस, हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, स्ट्रेस ऑन इमोशन, चॉइस ऑफ रस्टिक लैंग्वेज एंड व्यूज ऑन पोएटिक डिक्शन। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। द प्रीफेस दैट वॉज फर्स्ट अपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट और इंट्रोडक्शन इन 1798। लिरिकल बैलेड एक कलेक्शन ऑफ पोम्स होती है और ये पोइट्री कलेक्शन है जो कि वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज ने मिलकर लिखी थी। कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ दोनों दोस्त थे और साथ बैठते थे। वर्ड्सवर्थ की सिस्टर जो डोरोथी है वो भी इनके साथ ही बैठती थी। वो अक्सर कंट्री साइड पर जाकर बैठते थे, इनका फार्म हाउस था जहाँ पे ये लोग अपनी पोइट्री डिक्शन को लिखते थे और डिस्कशन को कंपाइल करते थे। इसके बाद इन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगाया और एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने इंट्रोडक्शन के तौर पर लगाया ताकि लोगों को इंट्रोड्यूस करा सकें कि किस तरह से इनकी पोइट्री डिफरेंट है प्रीवियस पोइट्री से। ये सिलसिला जब स्टार्ट हुआ तो हर तरफ लिरिकल बैलेड का एडिशन आता रहा, एडिशन में एक दफ़ा 1798 में पब्लिश हुआ, फिर हर बार कुछ ना कुछ चेंज करके राइटर इसको रिपब्लिश करते रहे। फिर आया तो इन्होंने प्रीफेस लिख दिया और फिर जब दोबारा आया तो प्रीफेस को और थोड़ा एलैबोरेट कर दिया। जब ये स्टार्ट में आया तो कॉलरिज ने लिखा कि इट वॉज हाफ अ चाइल्ड ऑफ माई ओन ब्रेन, मतलब ये मेरे साथ जो डिस्कशन हुई है ज़्यादातर इसी में से आइडियाज़ लिए गए हैं मेरे माइंड से। लेकिन फिर वर्ड्सवर्थ ने इसे फाइनली कंपाइल किया और ये वर्ड्सवर्थ के नाम से पब्लिश हुआ जो प्रीफेस है। फिर इन्होंने लेटर ऑन इसमें मज़ीद एक्सटेंशन हुई, दोबारा रिपब्लिश हुआ, तो वर्ड्सवर्थ ने इसमें जो एलिमेंट्स डाले वो पोइटिक प्लेजर मैन ऑफ साइंस के थे। एक पोइट को किस तरह से सुपेरिटी हासिल है, किस तरह वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोइट्री और प्रोज में डिफरेंस बताया, ये सारी चीज़ें उसने बाद में ऐड की, पहले वाले में नहीं की थी। इस तरह करते करते हर दफ़ा कोई ना कोई रिफाइनमेंट हुई, मगर क्रिटिक्स कहते हैं कि जो मेन आइडियाज थे रिगार्डिंग द डिक्शन एंड पोइट्री वो सेम रहे वर्ड्सवर्थ के एंड में भी। पोइटिक डिक्शन का जो अपेंडिक्स है वो उसने बाद में लगाया। पोइट्री डिक्शन में उसने बताया कि पोइट्री की डिक्शन किस तरह होनी चाहिए, वहाँ उसने अलेक्जेंडर पोप और उसके पिछले ज़माने को रेफ़र किया कि किस तरह से वहाँ के लोग पोइट्री यूज़ करते थे और किस तरह से जो उस वक्त की डिक्शन थी वो नॉट सूटेबल थी, बिकॉज इट वॉज टू आर्टिफिशियल, देयरफॉर आई हैव यूज्ड राइम सॉर्ट ऑफ वेरी प्लेन एंड सिंपल डिक्शन दैट इज़ सूटेबल फॉर पोइट्री। Appendix of poetry diction was later added with the preface. Initially, it was only a preface. Humble and rustic life, reasons for his preface. Wordsworth said we have to use simple language and that language is a language of real men. वो real men उन्हें कह रहा है जो rustic life में होते हैं. Rustic means country life, rural life. He said people, those are living near the nature, those are living with the natural objects like plants, animals, mountain, plains and fresh air. People who are living far from urban areas, the town city life, are real men. Language of rural people speak in a very realistic way. This is the real language because this language expresses their emotions, passions up to the highest. Their language and emotions are not tainted with the urban artificiality. वो ये इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि 18th century में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी, उसके बाद मटेरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इंटायर यूरोप में, जिस पर बहुत सारे स्कॉलर्स और पोइट्स ने लिखना शुरू कर दिया था। ही सेड मुझे ऐसे इंसिडेंट और ऐसी सिचुएशन को चूज़ करना है जो सिंपल लाइफ से, कॉमन लाइफ से, और उन्हें रिलेट करना है ऐसी सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज से जो कि हकीकत में इंसान यूज़ करते हैं। यहाँ वो लैंग्वेज के यूज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहा है, अ लैंग्वेज यूज्ड बाय पोइट एंड अ लैंग्वेज यूज्ड बाय रियल मैन। हम और आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं पोइट की वो लैंग्वेज नहीं होती। ही सेड हमें आम जुबान में पोइट्री करनी चाहिए जैसे हम आम जुबान में दूसरे लोगों से बात करते हैं, बजाय इसके कि पोइट बहुत एलैबोरेट करे चीज़ों को, बहुत एग्जॉटिक लैंग्वेज यूज़ करे, और उस लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहिए। देन ही सेड मैं ऐसे इंसिडेंट्स और सिचुएशन को सेलेक्ट करूँगा जिसमें आम इंसान अपनी आम जुबान में बात कर रहा है, और मैं उन इंसिडेंट को जो कॉमन लाइफ से सेलेक्ट किए गए हैं उनको मैं अपनी इमेजिनेशन से कलर करके ऐसा बना दूंगा कि वो अनयूजुअल लगेंगी, अनकॉमन लगेंगी,
पोइट को चाहिए कि वो आम हालात में आम ज़ुबान में बयान करे, लेकिन उन हालात में उन ज़बान को वो जो पोइट है तो वो अपनी इमेजिनेशन से उनके अंदर ऐसा कलर कर दे कि वो बातें आम बातें जो हैं वो खास लगने लगे। दिस इज़ वर्ड पोइट से। देर आर सम आस्पेक्ट्स ऑफ हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, और कुछ रीजंस हैं जो ये कहते हैं कि द लाइफ ऑफ रूरल आर सो सिंपल एंड दे आर नॉट कनेक्टेड टू द अर्बन आर्टिफिशलिटी, दे आर द आइडियल टू नेचर, सो दे आर सिंपल प्लेन एंड हम्बल इन देयर आस्पेक्ट्स। सो द लैंग्वेज द इंसिडेंट दैट दे आर इन दैट दे आर यूज इन मोर कंडक्टिव सो इन डिलीवरिंग द पोइट्री एबिलिटी, द पोइट शुड यूज दीज काइंड ऑफ लैंग्वेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेस ऑन इमोशन। For romantic writers, feeling and emotions are more important than classical writer. Romantic poetry is basically revolution around the emotion, feeling and passion. Romantic poetry is subjective in nature and classical poetry is objective in nature. Romantic are more concerned about emotions and feelings, so the stress on emotion is very much the part of romantic poetry. Feelings are more important than action and situation. Emphasis has been laid on feeling and emotion. He tried to enlarge the sensibility of his reader. Then choice of rustic life. क्योंकि rural people जो nature के साथ रहते हैं उनसे बात करते हैं तो उन्हें language जो use करनी होती है वो simple और pure होती है, इसलिए हमें उसी लैंग्वेज में यूज़ करके उसी लैंग्वेज में पोइट्री करनी चाहिए, ऐसा वर्ड्सवर्थ कहते हैं। व्यूज़ ऑन पोइटिक डिक्शन। न्यू क्लासिकल एरा के जो राइटर्स थे वो डिफ़िकल्ट वोकैबुलरी और डिक्शन यूज़ करते थे जो कि आम लोगों को समझ में नहीं आती थी, और वो ये कहते थे कि जो पोइट है उसकी जगह बहुत ऊपर होती है, और वो ये कहते थे कि लैंग्वेज ऑफ नॉलेज बहुत ऊपर होती है पोइट्री की, जो कि आम इंसान नहीं समझ सकता। न्यू क्लासिकल के बाद डिफरेंट पोइट्री आई थी वर्ड्सवर्थ की, जो कि लिरिकल बैलेड है। द थीम ऑफ हिज पोएम्स इन डिफरेंट एंड इक्वली डिफरेंट इन हिज लैंग्वेज, ही हैज़ अवॉइडेड द वेरियस हैकनेड डिवाइसेस ऑफ पोइटिक डिक्शन यूज बाय कंटेम्प्रेरी पोइट्स। वो डिवाइसेस यूज नहीं करता जो बहुत डिफिकल्ट हों, जो कि बहुत हैकनेड हैं। हैकनेड ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं जो पुरानी हो गई हैं जो यूज़ कर रहे हैं, और ऐसी डिवाइस जो ट्रेडिशनली कॉन्सेप्ट दे रही होती हैं पोइट्री को, और वही बार बार यूज़ हो रही होती हैं जो कि लोग समझ नहीं सकते, मुश्किल होती हैं, आसान अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते उसमें। हिज यूज़ ऑफ लैंग्वेज इज़ मोर सेंसिबल एंड करेक्ट। वर्ड्सवर्थ कहता है कि पोइट्री के लिए मीटर ज़रूरी नहीं है, ये एक एडिशनल सोर्स है प्लेजर का जो कि यूज़ होता है डिज़ायर के लिए, और वो ये कहता है कि पोइट को चाहिए कि एक सिंपल और प्लेन लैंग्वेज यूज़ करे। जिन करेक्टर्स को उसने लिया है, ही फील्स टेकिंग करेक्टर फ्रॉम रस्टिक लाइफ शुड स्पीक फ्रॉम सेम लैंग्वेज एज रस्टिक पीपल डज हैव। द लैंग्वेज शुड बी एप्रोप्रिएट टू द करेक्टर सो दैट हैज चूजन। दिस इज़ व्हाट एरिस्टोटल ऑल्सो सेड बट टॉकिंग अबाउट द करेक्टराइजेशन एंड ट्रेजेडी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी आर हैविंग ऑलवेज करेक्टर इन आवर पोइट्री। Sometimes we are talking about our certain emotions about things. Simple language should be used and language should not be artificial. That's it in this video. Next part mein hum discuss karenge qualification, views on meter, poetic process and definition of poetry. Thanks for watching this video.